तो फाइनली हम चलते चलते आ गए हैं बिष्णुपुर में। और देख लो बिष्णुपुर, जैसे आप इधर से आते हो सराबट्टी की तरफ से या तो आठ गाँव की तरफ से, तो पहले तो आपको लाइन लगना पड़ रहा है, उसके बाद में आपको जाना पड़ रहा है। तो बस हम लाइन में नहीं लगे हैं, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को एक लगा दिया हूँ लाइन में, तो अपना लाइन में है। तब तक आपको मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। जब तक वो यहाँ तक आएगा तब तक हम उधर से आ जाएंगे। और काफ़ी लंबा लाइन लगाया गया है, देख लो भाई। लाइन है और लाइन में भाई खड़ा होकर मैं भी चल रहा हूँ और काफ़ी लोग चल रहा है, देख सकते हो। अब उधर से एक लाइन लगाया गया है, इधर से लगाया गया है, तो बस चलो। और विष्णुपुर जो चाबी पुल है वहाँ का पंडाल में एंट्री करने का जगह है, तो बस हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तो भाई मेरे, फाइनली मैं यहाँ आ गया। और यहाँ का टेक्चर देखो काफ़ी बेहतरीन बनाया गया, और काफ़ी मतलब जो हम लोग का कल्चर था पहले का उसे दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हो। ये देख लो भाई, काफ़ी बेहतरीन सजाया गया भाई, पुराना अपना जो कल्चर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप टच ना करें इसको। और यहाँ पे देख लो भाई, उसको क्या बोलते हो तुम लोग बताओ। तो काफ़ी बेहतरीन बनाया गया मेरे हिसाब से तो। और यहाँ छोटा छोटा गुफा बनाया गया जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे दिया वगैरह भी रखा हुआ है। और यहाँ भी देख लो काफ़ी बेहतरीन लगाया हुआ है, देखो कुदाल और अपना लम्बे को लगाया गया है। और यहाँ से सामने निकलते हुए, और अब हम जाने वाले हैं इधर को। तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारा डीजे लगाया है जो कि डांस वगैरह करने के लिए, तो थोड़ा इसको दिखाते हैं, अगर बचता है तो आपको दिखा देते हैं, नहीं तो ठीक है। तो
मेरे हिसाब से तो गुवाहाटी में ही, गुवाहाटी में अगर पंडाल के मामले में आप देखो तो सबसे बेहतरीन विष्णुपुर में ही पंडाल बनाया गया है। बाकी जगह मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, अगर कहीं होगा भी तो मैं गया नहीं शायद, तो इसलिए वो नहीं, लेकिन मुझे विष्णुपुर का पंडाल काफ़ी अच्छा लगा। बाद बाकी आपको दिखाऊंगा वीडियो में तो आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे भाई डीजे का प्रोग्राम रखा गया है पूरा का पूरा, लेकिन बंदा लोग है नहीं, बंदा नहीं भे, डीजे बजा ही नहीं रहा है कोई, तो बंदा रहेगा कहाँ से। तो बस चलते हैं हम लोग इधर को, ठीक है। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं विष्णुपुर के साथ एक अगले वीडियो में, जो कि विष्णुपुर का ही वीडियो होगा।